अरे जोर लगा के हैया, पैर जमा के हैया, जोर लगा के, अरे अमर आ गया, अरे अमर क्या होगा छोटे बाबू? अरे घोड़ी की टूट गई कमर। अरे भैया जरा चक्का बाहर निकाल दे। ये चक्का निकलने वाला नहीं छोटे बाबू, इसको जितना बाहर निकालोगे उतना ही अंदर जाएगा। अरे अमर किस दिन तेरी ताकत काम आएगी, अरे निकाल दे निकाल। छोटे बाबू तुम कहते हो तो निकाल देता हूँ, वरना ये बग्घी तो देसी ही है। आजा आजा आजा, अरे मेरा शेर। हाँ, बोल मत सुनता जा। हैं? है? ये घोड़ी के कान में कौन सा भूखा मंत्र के रफू चक्कर हो गई? तुम्हें बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। है? मैंने घोड़ी धन्नो है ना, घोड़ी का नाम धन्नो है। मैंने कहा रे धन्नो तेरा लगन हो गया। मैंने कहा लगन करेगी? मैंने कहा मेरे घोड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगी मानेगा क्या? मैंने कहा कैसे नहीं मानेगा, घोड़ा ताकतवर है, अपनी ताकत का अंदाजा तू भी बता दे कि तेरे में भी बड़ा दम है। भैया निकाल के बाहर आ जा, फौरन हाँ करवा लूंगा उससे। अब तो देख बात जमा ले, सेठ से बात करके कोई अच्छा सा दिन देख के इसके लगन की तारीख पक्की कर देना। इन ठाकुरों के कोई भी धनो फंस फसा जाए ना, बुला लेना, काम कर दूंगा। फसावा तो बहुत ही है ये, मगर इसको मत निकालियो। छोटे बाबू जी इधर आओ। आया सरकार। अरे माफ करना सरकार, फिर वही आदत है ना। वो कौन था? वो घोड़ा था। अबे गधे घोड़ा नहीं, घोड़े वाला कौन था? घोड़े वाला नहीं सरकार, वो अमर है। हाल ही में उसका भाई विजय यहाँ का थानेदार बन के आया है। आज मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और इस पुलिस की वर्दी में मेरे भाई की मेहनत का पसीना चमकता दिखाई देता है। सच पूछो तो मेरा भाई किसी देवता से कम नहीं है। इंस्पेक्टर, देवताओं ने धरती पर जन्म लेना बंद कर दिया है, तुम्हारा भाई एक चोर है। चित्रापुर के मेले में 5 लाख का हार चुराने वाला बादशाह डाकू नहीं, बल्कि तुम्हारा भाई अमर है। मैं आपकी जबान खींच लूंगा। खबरदार ये मत भूलो कि हम एक जज हैं। जी हाँ, मैं भूल गया था, मैं भूल गया था कि आप एक जज हैं और उस ठाकुर के भाई हैं जो जन्म से गरीबों का दुश्मन है, जिसके खाते में एक बार किसान की जमीन चढ़ जाती है तो वापस किसान के पास उतर कर नहीं आती है। जसब मैं भूल गया था कि वो बरसों से हमारी छोटी सी जमीन पर नजरें जमाए बैठा है और उसे हथियाने के लिए वो आपके जरिए मेरे भाई को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा कर जेल भेजने का भी सोच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जसब, अभी तक इस इलाके में सिर्फ फरियादी थे, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, जुल्म सहने वाले थे, जुल्म रोकने वाला कोई नहीं था, मगर अब जुल्म का जवाब है। अब यहां किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे भाई ने चोरी की है? सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारी गिरवी रखी हुई जमीनों के कागजात। उन कागजात को तुम्हारा भाई अदालत में पैसे जमा करवाकर छुड़वा लाया है। तो क्या हमारी जमीन गिरवी से छूट गई? जी हाँ, सिर्फ 1,75,000 रुपए में। और फिर दूसरा सबूत हम हैं, हमने खुद उसे मेले में हार चुराते हुए देखा है। विजय तुम यहां कानून के रखवाले बनकर आए हो और तुम्हारा भाई कानून का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या तुम उसे गिरफ्तार कर सकोगे? तुम्हारे हाथ तो नहीं कांपेंगे? अगर यह सच है तो चोर को पकड़ना मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी फर्ज की वर्दी पर बदनामी की गर्द जमने नहीं दूंगा। आज तो मेरी माँ बंद गोभी बना रही है। ये सब क्या लाया है तू? ये देखो, ये साड़ियां हैं, एक तेरे लिए, ये वाली, और ये सुंदरी के लिए।
और ये रहे तेरे लिए दो कंगन। ये देख, ज्यादा सवाल मत कर। जिस माँ के दो हट्टे कट्टे बैल जैसे बेटे हों, उसके हाथ में कंगन नहीं हो, शर्म की बात है ना। पर इतने सारे पैसे तो लाया कहाँ से? मैं बताता हूँ, इसने देवी माँ के मंदिर से हार चुराया है। क्या? हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! ये पुलिस वाला होकर झूठ बोलता है माँ, जिसके दिल में मेरे लिए इतना भी प्यार नहीं, खाम का तेरी मेरी लड़ाई करवाना चाहता है। तूने कभी हार देखा मेरे पास? देखा है कभी? अरे छुटके, ये देख कितना बढ़िया कपड़ा लाया हूँ तेरे लिए। इससे तो अच्छा होता हम सबके लिए कफन ले आता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई एक चोर है। विजय, मैं चोर नहीं हूँ। विजय, तुझे मेरी कसम भाई, सच बोल, क्या तूने देवी माँ का हार नहीं चुराया? बोल। मैंने देवी माँ का हार नहीं चुराया, मैंने हार चुराया है उन डाकुओं का, जिन्हें लोग ठाकुर कहते हैं, जो हमेशा हमारी खुशियां लूटते रहे, हमारा सुख चैन लूटते रहे, जिनका लगान, जिनका सूद ब्याज भरते भरते हमारा खून पसीना बनकर बहता रहा, और जिनकी वजह से हमारी माँ की हर आरज़ू मिट कर रह गई। मैंने उनका हार चुराया है, मैंने बदला लिया उनसे, और मैं उनसे हमेशा बदला लूंगा। तुमने बदला लिया, लेकिन कानून की नजर में तुमने एक जुर्म किया है, और उन ठाकुरों ने, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। मुन्ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं। भाई, तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब मैं नहीं, अदालत देगी। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि मुजरिमों को पकड़कर कानून के सामने पेश करना। इसका मतलब है तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? मैं मजबूर हूं भाई। तो पहले इस मजबूरी का इस्तेमाल उन ठाकरों पर करो। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार कर लोगे ना, मैं आकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। भाई, तुम कानून से भाग नहीं पाओगे। रुक जा। माँ, मुझे छोड़ दे, वरना आज के बाद कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। नहीं। छोड़ दे माँ। रुक जा भाई, रुक जा भाई, मैं कहता हूँ रुक जा। क्या किया तुमने? मैं उसके घोड़े पर निशाना लगा रहा था, तूने मेरे भाई को जख्मी कर दिया। हट जा। साले चोर, ठाकरों के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा कि तुझे उस हार के बदले में अपनी जिंदगी हारनी होगी? हारने के बारे में वो सोचता है जिसे अपनी जीत पर यकीन ना हो। आज तुझे सिर्फ एक बात पर यकीन करना पड़ेगा, अपनी मौत पर। ले, मरने से पहले इस कागज पर दस्तखत कर। अदालत में पैसे जमा करके जो जमीनें तूने छुड़वा ली हैं, वो आज से फिर हमारी हो जाएंगी। अगर अब तूने उस धरती पे कदम रखा ठाकुर, वो धरती तुझे निकल जाएगी। और तूने दस्तखत नहीं किए तो हम तुम्हें चींटी की तरह मसल देंगे। तू इस वक्त मेरे सामने कितना नीचे गिरा हुआ है। नीचे वो होता है जिसकी आंखें झुक जाए। देख, नीचे रहकर भी मेरी आंखें गर्व से ऊंची हैं और तेरी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं।